Okay, the next topic is pie graph. In this method, a circle is drawn and divided into number of angular sections, each representing a specific quantity. यानी angles, circle हम बनाएंगे और फिर उसको angles बना के हर एक quantity को हम show करेंगे. Pie graphs are used when data is converted to percentage. हम pie graph तब use करेंगे अगर required हो कि आपने परसेंटेज में डेटा को शो करना है. दीज ग्राफ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ हाउ टू ड्रॉ अ पाईग्राफ. पाईग्राफ के लिए आपको जो डेटा गिवन है वो है डिफरेंट क्रॉप्स का और फिर उसकी एनुअल प्रोडक्शन का टन्स में. ठीक है, वीट जो है वो 8 टन प्रोड्यूस हो रहा है, मेज जो है वो 5 टन, और इसी तरह शुगर केन जो है वो 2 टन. ठीक है, तो आपने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक टेबल उसी तरह बनाएंगे. ठीक है, लेकिन आपने उसमें कुछ बॉक्सेस का इजाफा करना है. सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि इस एनुअल प्रोडक्शन को आपने टोटल करना है. ठीक है, 8, 5, 2, नीचे जो आप टेबल देख रहे हैं इसमें आपने देख लें कि हमने एनुअल प्रोडक्शन को टोटल किया हुआ है और इसका आंसर आया है 15. ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि इसके लिए आपने दो फॉर्मूलाज याद कर रहे हैं, एक फॉर द परसेंटेज एंड द अदर वन इज़ फॉर द एंगल, राइट? सो फॉर द परसेंटेज द फार्मूला इज पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100. ठीक है, पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, यानी वीट का जो हमें पार्ट बताया गया है वो हम लेंगे, जिस तरह 8 है. फिर टोटल एनुअल प्रोडक्शन कितनी थी, 15, दैट तो हमने 8 डिवाइडेड बाय 15 किया एंड देन वी मल्टीप्लाई इट विद 100, सो आवर आंसर इज 53%. इस तरह हमने परसेंटेज निकाला. ठीक है, फिर हमने मेज का परसेंटेज निकाला विच इज़ 34 एंड देन शुगर केन विच इज़ 13. जब आप ये परसेंटेज निकालेंगे और इसको टोटल करेंगे तो आपका आना चाहिए 100%. अगर ये 100% आ गया तो मीन आपने कैलकुलेशन ठीक की है. ठीक है, ये आपने 100% ही लाना है. फिर एंगल के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्या है, परसेंटेज इंटू 360 डिवाइडेड बाय 100. अब ये 360 कहाँ से आया, 360 एक्चुअली सर्कल में जो है 360 डिग्रीज होते हैं, तो ये 360 डिग्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, फार्मूला है एंगल का, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 100. जब वीट के लिए हमने एंगल कैलकुलेट किया, ठीक है, 53 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे साथ एंगल आया 190. स्टूडेंट्स, एंगल लिखते वक्त आपने ये छोटा सा जो डिग्री का निशान है ना, ये आपने ज़रूर लिखना है. ठीक है, वरना फिर पता नहीं चलेगा. एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो आपने ज़रूर ये लिखना है. इसी तरह जब हम वीट का एंगल निकालेंगे, वीट के डेटा का एंगल निकालेंगे, फिर मेज का, फिर शुगर केन का, ठीक है, तो हमारे साथ टोटल क्या आना चाहिए, 360, क्योंकि देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्कल. ठीक है, तो ये आपका ज़रूर आना चाहिए. जब ये 360 आएगा तो मतलब आपका ने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक की है. क्लियर? सो फॉर द पाई ग्राफ 3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू टोटल द गिवन डेटा, राइट? देन यू हैव टू फाइंड आउट इट्स परसेंटेज एंड द थर्ड थिंग इज यू हैव टू फाइंड द एंगल. यहाँ आते हैं पाई ग्राफ की तरफ. पाई ग्राफ में भी उसी तरह हमने वो टाइटल सेलेक्ट किया है. ठीक है, परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्रॉप, फिर उसको सर्कुलर फॉर्म में करके सर्कल आपने बनाना है. ठीक है, और फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और डी आपने एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, राइट? और फिर आपने उस क्रॉप का नाम, जो डेटा में रिक्वायर्ड जो भी चीज़ आपसे मांगी गई, ठीक है, वो आपने लिख के उसके साथ उसकी परसेंटेज लिखनी है. एंड हाउ टू मेक
दिस सर्कल एंड हाउ टू यूज़ द प्रोटेक्टर आई एम शेयरिंग द वीडियो, सो प्लीज वॉच दैट वीडियो. ओके द नेक्स्ट इज मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल डायग्राम. स्टेटिस्टिकल डायग्राम के क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे. मेरिट्स, कंप्रीहेंसिव. स्टेटिस्टिकल डायग्राम्स आर कंप्रीहेंसिव. कंप्रीहेंसिव मीन मुकम्मल, जामिया, राइट. नंबर सेकंड, रीच द कंक्लूजन इजीली. मतलब इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डेटा. स्टेटिस्टिकल डायग्राम्स हेल्प अस टू रीच द कंक्लूजन ईजीली. ठीक है, कंक्लूजन हम फौरन पहुंच जाते हैं. जैसे ही हम वो ग्राफ को देखते हैं तो हमें फौरन पता चल जाता है कि हायर कौन सी वैल्यू है, लोअर कौन सी वैल्यू है. ठीक है, तो हम वी रीच द कंक्लूजन ईजीली. द थर्ड वन इज मेक कंपेरिजन ईजी. येस, दे मेक कंपेरिजन ईजी बिटवीन डिफरेंट डेटा सेट्स और ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी. एंड नंबर फोर्थ इज सेव टाइम. मोस्ट ऑफ द स्टेटिस्टिकल डायग्राम आर ईजी टू डिवेलप एंड अंडरस्टैंड, हैंस सेव टाइम. हमारा टाइम बचाता है. ठीक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आसान है और बनाना भी आसान है, तो हम अपना टाइम बचा सकते हैं स्टेटिस्टिकल डायग्राम के थ्रू. ओके, नाउ इट्स डीमेरिट्स. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, नुकसान क्या हैं. नीड अ गुड डील ऑफ स्किल्स. ड्राइंग सच डायग्राम्स नीड अ गुड डील ऑफ स्किल्स. अगर आपको डायग्राम का बनाना नहीं आता तो फिर आप जो है स्टेटिस्टिकल डायग्राम नहीं बना सकते. ठीक है, इसके लिए गुड डील ऑफ स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है. एंड द नेक्स्ट इज कैन नॉट बी यूज एज अ सब्सटीट्यूट टू डेटा. ऑल मीन ऑल दो दीज डायग्राम्स आर एंड इस इंटरेस्टिंग मीन टू रिप्रेजेंट डेटा, बट दे कैन नॉट बी यूज एज सब्सटीट्यूट टू डेटा. सब्सटीट्यूट कहते हैं मुतबादिल. ठीक है, जो आपका डेटा है उसके मुतबादिल आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो दिस इज़ अबाउट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल डेटा.